अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू किचन टाइम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त से एग फ्राइड राइस लेकर आई हूँ। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत अच्छे बने हैं। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 या 4 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करेंगे देगची में या कढ़ाई में, और इसके बाद हम फेंटे हुए 3 अदद अंडे शामिल कर देंगे इसमें। और अब हमने इसको मिक्स करते जाना है, अंडों को साइडों से इस तरह मिक्स करें। आंच हमने मीडियम रखनी है। ये देखें, ये इस फॉर्म में आ चुके हैं। ये अभी थोड़े थोड़े कच्चे हैं, कुक नहीं हुए, तो अभी हम इनको मजीद कुक करेंगे। ये देखें, ये इस तरह कुक हो चुके हैं, तो ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप के करीब, और इनको मिक्स कर लेंगे और इनको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, क्योंकि गाजरें पकती नहीं हैं, ज़्यादा हार्ड होती हैं, इसलिए पहले डालते हैं इनको। ये देखें, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, तो ये फ्राई हो चुकी हैं। और जब हम इनको फ्राई कर लेंगे तो इसके बाद हम इसमें उबले हुए मटर शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने उबले हुए मटर लिए हैं। इसके बाद हमने ग्रीन ओनियन का वाइट पार्ट इसमें शामिल कर देना है, और इनको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें चिकन क्यूब्स शामिल कर देना है 1 अदद। तो ये अगर आप नहीं पसंद करते तो मत डालें, वरना इसके टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद हम वाइट पेपर शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच, और नमक शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत, और इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को। चम्मच चलाते जाना है ताकि ये लगे नहीं नीचे से। ये देखें, ये फ्राई हो चुकी हैं। और जब ये हो जाए फ्राई, तो इसमें हमने उबले हुए चावल शामिल कर देने हैं। ये तकरीबन मैंने आधा किलो चावल लिए थे, और अब हम इन चावलों को इनमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है हमने। जब चावलों को मैंने बॉईल किया था तो इनको ज़्यादा मैंने नहीं कच्चा रखा था, ये तकरीबन गल चुके थे, और इसके बाद छान के मैंने किसी पेपर पे इसको फैला दिया था। ये देखें, चावलों को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमने इसमें शामिल करना है हरा प्याज। ये 1 अदद हरा प्याज है कटा हुआ। और इसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे 1/2 चाय का चम्मच, और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चावलों में। अब हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे, और आंच हमने तेज रख के इनको फ्राई करना है, और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएं ताकि ये नीचे नहीं लगे। ये देखें, इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब ये रेडी हैं, तो हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हैं, तो अब हम इनको सर्व करेंगे। जी, तो हमारे मज़ेदार से एग फ्राइड राइस तैयार हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर करें, कॉमेंट करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।